गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पहुंचकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत माँ के लाल, सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक, जय जवान जय किसान के प्रणेता श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री, दोनों महापुरुषों ने राष्ट्र सेवा में अपना सब कुछ समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के स्वच्छता के प्रति लगाव को केंद्र मानकर पूरे देश में लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। आधुनिक विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महान समाज सुधारक व स्वदेशी से स्वावलंबन दर्शन के प्रणेता महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले आजादी के महानायक थे। गांधी जी का दर्शन समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाना था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान दिलाने का काम कर रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, सिद्धांत घोष, रमेश चंद्र गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, अजय त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, शिव प्रकाश शर्मा, रूपेश गुप्ता, अष्टभुजा श्रीवास्तव, अजमेर आलम, सत्यार्थ मिश्रा, अनुभव वाजपेयी सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज पूज्य महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। पूरा देश इन दोनों महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता अपने महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पूज्य महात्मा गांधी जी की को लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्प चढ़ा करके माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों के जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ती रही है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के आज 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी जी के जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार कार्यक्रम कर रही थी और आज सेवा पखवाड़ा का आखिरी दिन है। हम सब पूज्य महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरे देश भर में याद कर रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए अपनी सेवाएं दी, देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया, उनसे प्रेरणा लेकर के देश की युवा पीढ़ी आगे काम करे, इसके लिए हम सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर विशेष रूप से जो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो अपने जीवन में जिया था कि स्वच्छता का और देश के लिए कुछ काम करने का और खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का, इन सब कामों को अवेयरनेस करने का काम, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का काम या स्वच्छता के अभियान को भी आगे बढ़ाने का काम, और इसलिए गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता गोरखपुर में तय किया है कि जहां दोनों महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, वहीं धार्मिक स्थलों पर
माँ बुढ़िया माई के स्थान पर जाकर के प्लास्टिक मुक्त मंदिर कैसे हो, इसका अभियान भी अभी यहाँ से जाकर चलाने वाले हैं। गोरखपुर जिले के कार्यकर्ता तरकुलहा देवी मंदिर पर जाकर के वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त अभियान चला करके स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। दोनों महापुरुषों को याद करते हुए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब देश आज़ादी के 75वें वर्ष को मना रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो देश इस देश के महापुरुषों को याद करते हुए अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण किया और पूरे देश में महापुरुषों की जयंतियां मना करके महापुरुषों को याद करके अमृत महोत्सव के रूप में जब देश 75वां वर्ष मना रहा है तो उनको याद करने का काम कर रहा है।